बता दो बांजन को पुत्र क्यों पुत्री क्यों नहीं। करियर की सबसे बड़ी फिल्म करने जा रहे हैं सलमान खान। साउथ का ये डायरेक्टर बनाएगा फिल्म। सलमान खान और प्रोड्यूसर साजिद नाडेडवाला 10 साल बाद साथ में काम कर रहे हैं। 2014 में साजिद ने सलमान खान को लेकर किक बनाई थी। अब ये लोग एक बड़े बजट की एक्शन थ्रिलर फिल्म पर साथ आए हैं। इस फिल्म को मुर्गा डॉस डायरेक्ट करेंगे। फिल्म का बजट 400 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, जो कि इसे सलमान खान, साजिद और मुर्गा डॉस तीनों के ही करियर की सबसे बड़ी फिल्म बनाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सोर्स ने बताया सलमान खान और साजिद साथ में काम कर रहे हैं। जब साजिद और मुर्गा डॉस इस फिल्म के सब्जेक्ट को लेकर बात कर रहे थे तो दोनों के जहन में पहला नाम सलमान खान का था। जब साजिद ने इस बारे में सलमान खान से बात की तो उन्होंने तुरंत फिल्म के लिए हाँ कर दी। फिल्म का शूट पुर्तगाल और कुछ यूरोपियन देशों में होगा। फिल्म का बजट 400 करोड़ रुपए होगा। ये फिल्म साजिद का खास प्रोजेक्ट है। इस साल की शुरुआत में इस फिल्म को लेकर मीटिंग्स हुई थी, जल्द ही शूट किया जाएगा। बीते साल जो सलमान खान के पास जो भी स्क्रिप्ट आई उसमें से उन्होंने मुर्गा डॉस वाली स्क्रिप्ट सबसे एक्साइटिंग लगी, इसलिए उन्होंने इस फिल्म को प्रायोरिटी पर शूट करने का प्लान बनाया है। इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि फिल्म का शूट इस साल गर्मियों में शुरू किया जाना है। इसकी शूटिंग 2024 के आखिरी तक पूरी होगी। इस अनाम एक्शन थ्रिलर फिल्म को पुर्तगाल समेत अलग अलग यूरोपियन देशों में शूट किया जाएगा। इसे ईद 2025 पर रिलीज करने की प्लानिंग चल रही है। मुर्गा डॉस ने 2006 में सलमान खान को गजनी ऑफर की थी, मगर तब सलमान खान वो फिल्म नहीं कर सके। आमिर खान को लेकर बनी गजनी हिंदी सिनेमा की वो पहली फिल्म बनी जिसने देश भर से 100 करोड़ रुपए कमाए। उसके बाद मुर्गा डॉस ने हिंदी में हॉलीडे और अकीरा जैसी फिल्में बनाई। थलपति विजय का करियर सेट करने का क्रेडिट भी मुर्गा डॉस को ही जाता है। उन्होंने विजय के साथ कैथी और सरकार जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। वो पहली बार सलमान खान के साथ काम करने जा रहे हैं। सलमान खान द बुल नाम की फिल्म में काम करने वाले थे, मगर इंडिया मालदीव के संबंधों में तनाव की वजह से उस फिल्म का काम अभी रोक दिया गया है। रिपोर्ट है कि फिल्म की स्क्रिप्ट पर और काम किया जा रहा है, इसलिए फिल्म की शूटिंग को आगे खिसका दिया गया। इसी बीच सलमान खान और मुर्गा डॉस के फिल्म की खबर आ गई, जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि द बुल शेल्वे हो गई, मगर ऐसा होने की संभावना कम है।